सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे तेजस नेटवर्क को लेकर। टेलीकॉम सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी और स्टॉक में आज आप लोग देखोगे अभी के टाइम 15-15.5% के आसपास तेजी आपको दिखाई दे रही है। स्टॉक ऊपर में आप लोग देखोगे 17-18% तक उछल गया था भाई, ठीक है। 928 से 929 रुपये के आसपास का इसका हाई बना आज का क्लोजिंग, सॉरी ऊपर से जो स्टॉक अभी के टाइम टूट कर जो अभी 15% के आसपास तेजी में हमें दिखाई दे रहा है 897 रुपये के भाव के ऊपर। अचानक से स्टॉक में तेजी क्यों बनी है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के दिन आपको पता होगा भी कंपनी ने कुछ अनाउंस करना है, कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स आनी है। तो आज आपको पता होगा तारीख होगी भाई 22, और 22 तारीख को कंपनी अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज करने वाली है, ठीक है, सभी को पता है। तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे कैसे नहीं, अब तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, अभी रिजल्ट्स अब तक आए नहीं है। लेकिन रिजल्ट से पहले स्टॉक में इतनी बड़ा जंप आना ये थोड़ा सा खटक नहीं रहा है, ठीक है। बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि अचानक से तेजी क्यों बनी स्टॉक में और इतने हाई वॉल्यूम स्टॉक में आते हुए नजर आई है, देख सकते हो भी। तो इतनी हाई वॉल्यूम जो आई है बायर्स है या फिर बड़े प्लेयरों की एंट्री आप लगा लीजिए, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 4.4 मिलियन यानी कि 44 लाख के करीब हाई वॉल्यूम स्टॉक में आई है। 960 रुपये के आसपास का आई थिंक इसका 939 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है। और वहाँ से जो स्टॉक अभी के टाइम आपको नीचे में दिखाई दे रहा है, बट 930 के आसपास स्टॉक ऊपर में उछला है, ये छोटी बात नहीं है। इतना ज़बरदस्त जंप स्टॉक में आना और वो भी रिजल्ट से पहले, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि तेजी खराब है, तेजी बननी चाहिए भाई, लेकिन वो तेजी किस तरीके से बन रही है ना वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट से पहले स्टॉक में मैंने 3-4 जगह पर न्यूज़ वगैरह देखी, कहीं कोई न्यूज़ तो ना आई हो, कहीं कुछ ऐसा अनाउंस तो ना हुआ जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी आई, उसकी वजह से स्टॉक में पंप आया हो। तो देखो भाई कोई न्यूज़ तो आई नहीं, लेकिन न्यूज़ आनी है, रिजल्ट आने आज के दिन, रिजल्ट से पहले तेजी बनना, यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना, कहीं इतनी बड़ी तेजी देखकर स्टॉक में कूद पड़ो भाई। जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है, जब तक इसका आउटकम नहीं आ जाता है रिजल्ट्स का, उससे पहले स्टॉक में इतनी हाई रैली के ऊपर मत खरीदना, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ से जो ना अभी स्टॉक में अगर प्रॉफिट बुकिंग आने लग गई या फिर रिजल्ट से जो अनुमान थे रिजल्ट से रिलेटेड वहाँ से वो फिसल गए, तो उस कंडीशन में स्टॉक में दबाव बन सकता है ऊपर से, ध्यान रखना। तो तेजस नेटवर्क के रिजल्ट्स आने हैं और रिजल्ट से पहले स्टॉक में ज़बरदस्त रैली बनी है, तो इसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आया अब तक, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी तेजस नेटवर्क लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट कंसेंसस एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस एनालिस्ट रेटिंग, तो जो कुछ भी यहाँ पर टारगेट वगैरह रखे गए हैं वो 1025 रुपये के आसपास का बाय कॉल आ रही है यहाँ पर एनालिस्ट की तरफ से। तो देखो भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जिसके पास भी होल्डिंग है जिन्होंने खरीदारी की है, बट सावधान रहना, इतनी तेजी देखकर कूदने के बारे में मत सोचना, रिजल्ट अभी आए नहीं है। रिजल्ट्स के बाद अगर तेजी बनती तो वहाँ से अच्छा होता, तो देखो भी विश्वास होता भी यहाँ रिजल्ट्स के कारण तेजी बनी है, तो ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है अब तक, ठीक है। तो कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं ब्याज, और रिजल्ट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, अगर अभी के टाइम आपकी होल्डिंग है स्टॉक में या सुबह स्टॉक में खरीदारी की आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर सपोर्ट लेके चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा भाई, ठीक है। अभी टाइम स्टॉक है भाई लगभग 912 रुपये के आसपास है, 900 रुपये के आसपास है, ठीक है। इस रेंज में आपको क्या करना चाहिए, नीचे में 875 के सपोर्ट के साथ चलिए, ठीक है, सपोर्ट के साथ चलिए। 875 का सपोर्ट है, इसके ऊपर में स्टॉक अभी बने हुए हैं, रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ से स्टॉक में इसका सर्किट आते हुए नजर आ सकता है भाई, ठीक है। अब तक ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है, जैसे आएगी कोई खबर आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।